नमस्कार आदाब, मैं शरियाज है। स्वागत है आपका सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। वक्फ बिल पर अगले हफ्ते हो सकती है संयुक्त समिति की पहली बैठक। जम्मू कश्मीर के डोडा में 4 आतंकियों के मारे जाने की आशंका, सेना के कैप्टन भी हुए शहीद। यूपी बीजेपी में हलचल के बीच पीएम मोदी से मिले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। आप नेता संजय सिंह के खिलाफ सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने गैर जमानती वारंट किया जारी। पाकिस्तान का विलय हो गया खात्मा, विभाजन विभिषका दिवस पर सीएम योगी का बड़ा बयान। लालू यादव का सीएम नीतीश कुमार पर बड़ा तंज, कहा दिल्ली से हक छीना पड़ता है। अमेरिका में भारतीय मूल के बिल्डर मुसलमानों के लिए हाउसिंग सोसाइटी का बना रहे प्लान, शुरू हुआ विवाद। अब समाचार विस्तार से। स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी ने स्टैंड अप के दौरान महाराष्ट्र के कोकण में रहने वालों के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल किया उससे विवाद बढ़ गया। शिवसेना, शिंदे गुट, बीजेपी और एमएनएस के नेताओं ने मुनव्वर के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई और उनसे माफ़ी मांगने की भी मांग की। वहीं विवाद बढ़ता देख मुनव्वर फारूकी ने अपने बयान को लेकर माफ़ी मांगी है। अब बीजेपी नेता नितेश राणे ने भी चेतावनी देते हुए कहा है कि ये हरा सांप बहुत बोलने लगा है, हमारे पास कोकड़ी व्यक्ति का मजाक उड़ाने वाले के घर का पता है, उसे जल्द सबक सिखाएंगे। जो कलाकार भी बोलेंगे नहीं, वो हैबिचुअल ऑफेंडर है। वो बोलते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये कभी हिंदू समाज के बारे में उन्होंने पहले गलत बोला, प्रभु रामचंद्र के बारे में गलत बोला, फिर सॉरी बोलते हैं। अभी कोकण के लोगों के बारे में उस दिन कुछ बोला, फिर सॉरी बोलते हैं। फिर हम भी अभी उनको अभी कुछ तो का मतलब बोलते ना, उनको कुछ मिठाई कान के नीचे कर बजा के देते और फिर हम भी सॉरी बोल देंगे कि हमसे गलती हो गया। मतलब हमारा हिंदू समाज हो, हमारे कोकण हो, हमारा धर्म हो, ये कोई मजाक की चीज़ नहीं है कि कुछ बोलेंगे और फिर वापिस सॉरी बोल देंगे। फिर हम भी पहले एक्शन करते हैं और बोलते हैं सॉरी, चलेगा क्या? तो ये जो को हैबिचुअल ऑफेंडर जो बार बार ये करने की आदत ये जो मुनव्वर फारूकी की है ना, वो अभी कभी ना कभी तो ये बंद होनी चाहिए। पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शिवेंदु अधिकारी ने कहा है कि सीबीआई को शिकंजा कसना चाहिए और संदीप घोष, डॉक्टर एसपी दास और विनीत गोयल को गिरफ्तार करना चाहिए। आरजी कर में घटना वाली रात की सुबह डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन सुशांत राय और डॉक्टर अभिषेक डे वहाँ क्यों गए थे? उन्होंने कहा है कि वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने के लिए वहां गए थे। कुछ कहना नहीं चाह रहा हूं, सीबीआई को शिकंजा कसना चाहिए और संदीप घोष, डॉक्टर एसपी दास, विनीत गोयल को अंडर कस्टडी करना चाहिए। ये तीनों को पहले कस्टडी कीजिए। क्यों डीएमई सुशांत रॉय, डॉक्टर ओभिक दे किस लिए 9 तारीख वहां गया था? आरजी कर में सुशांत राय, डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड डॉक्टर ओभिक दे, वो दोनों किस काम के लिए उस दिन सुबह गया था? एविडेंस डिस्ट्रॉय करने के लिए। सीबीआई कोर्ट मॉनिटरिंग है, सीबीआई को तुरंत कार्रवाई करना चाहिए, नहीं तो जरूरत होगा तो सबके खिलाफ आवाज बंगाल की जनता उठाएगी। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल की समीक्षा के लिए बनाई गई संसद की संयुक्त समिति जल्द ही अपना काम शुरू करने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक समिति की पहली बैठक अगले हफ्ते बुलाई जा सकती है। समिति को अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए अगले संसद सत्र के पहले हफ्ते तक का समय दिया गया है। ये बिल 8 अगस्त को लोकसभा में पेश किया गया था, जिस पर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया था। लोकसभा सचिवालय की तरफ से समिति के गठन का नोटिफिकेशन मंगलवार को जारी किया गया था। नोटिफिकेशन के मुताबिक बीजेपी के वरिष्ठ सांसद जगदम्बिका पाल को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। सूत्रों के मुताबिक समिति जल्द से जल्द अपना काम शुरू करना चाहती है और इसलिए अगले हफ्ते पहली बैठक बुलाए जाने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक पहली बैठक में वक्फ बिल की समीक्षा के लिए समिति की योजना के बारे में प्राथमिक चर्चा होने की संभावना है। समिति के गठन का ऐलान हाल ही खत्म हुए संसद सत्र में किया गया था, ताकि इससे जुड़े सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा हो सके। ये तय है कि अपनी समीक्षा के दौरान समिति इसके कानूनी और सामाजिक समेत तमाम पहलुओं पर चर्चा करेगी।
इसके लिए सभी स्टेक होल्डर से उनकी राय भी ली जाएगी। इस समिति में कुल 31 सदस्य हैं, जिनमें 21 सदस्य लोकसभा के जबकि 10 सदस्य राज्यसभा से बनाए गए हैं। इनमें सबसे ज़्यादा 10 सदस्य सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के हैं, जिनमें अध्यक्ष जगदम्बिका पाल के अलावा निशिकांत दुबे, अपराजिता सारंगी, संजय जायसवाल और ब्रिजलाल शामिल हैं। इसके अलावा गौरव गोगोई, इमरान मसूद और नसीर हुसैन समेत कांग्रेस के 4 सदस्य भी इस समिति के सदस्य हैं। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी समेत अलग अलग दलों के 8 मुस्लिम सांसद भी समिति के सदस्य बनाए गए हैं। कॉलेज के सिलेबस में RSS नेताओं द्वारा लिखी गई किताबों को शामिल करने के राज्य सरकार के फैसले पर कांग्रेस नेता कुणाल चौधरी ने निशाना साधते हुए कहा है कि यह स्पष्ट है कि जो किताबें जोड़ी जा रही हैं वो RSS की विचारधारा से संबंधित किताबें हैं। BJP इस विचारधारा को ख़त्म करना चाहती है। देश में प्यार करो और नफरत फैलाओ, हम इस फैसले के खिलाफ हैं। जरूरत पड़ी तो हम कोर्ट जाने के लिए भी तैयार हैं। स्पष्ट है जो ज्ञान प्रकोष्ठ के माध्यम से जिन किताबों की चर्चा करी जा रही है और जिन किताबों को जबरदस्ती खरीदने का विचार किया जा रहा है वो एक RSS से संबंधित विचार की किताब है। RSS और भारतीय जनता पार्टी इस देश के उस प्रेम के भाव के सिद्धांत को खत्म करके कैसे नफरत का भाव डाला जाए सिर्फ उसी जगह पे लगी हुई है। और वो ज्ञान प्रकोष्ठ जिसका काम है ज्ञान की बुकों को लाना, वो अज्ञानता की ओर बढ़ रहा है। क्या उन चीजों को पढ़ाएंगे जिसमें नाले से गैस लगाने की बात? तो ये देश की उन संस्थाओं को खत्म करना चाहते हैं, उन सोच को खत्म करना चाहते हैं, अगर सांस्कृतिक विरासत को भी बताना चाहते हैं तो क्यों ना कबीर की किताबों को उसके अंदर रखें, क्यों ना रसखान की किताबों को रखें। और इस देश की संस्कृति को समझाना चाहते हैं तो नेहरू जी की डिस्कवरी ऑफ इंडिया क्यों नहीं रखते, क्यों ग्राम स्वराज की महात्मा गांधी की किताबें? इन किताबों के माध्यम से देश की संस्कृति और सांस्कृतिक विरासत को समझा जा सकता है। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में आज आतंकियों के साथ मुठभेड़ में भारतीय सेना के कैप्टन शहीद हो गए हैं, जबकि 4 दहशतगर्दों को ढेर कर दिया गया है। एक खबर के मुताबिक अधिकारियों ने बताया कि मुठभेड़ में 4 आतंकियों के ढेर होने की आशंका है। डोडा में शहीद होने वाले कैप्टन 48 राष्ट्रीय राइफल से थे। व्हाइट नाइट कॉप्स ने बताया कि भारी गोलीबारी के बीच आतंकियों की तलाश जारी है। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा बलों को सूचना मिली थी कि कुछ आतंकी जम्मू के उधमपुर जिले के पटनी टॉप और डोडा जिले के असर के बॉर्डर के जंगलों में छिपे हैं, जिसके बाद वाहन सर्च ऑपरेशन चलाया गया। मंगलवार शाम 7 और 8 बजे के बीच सुरक्षा बल उसे कमरे में पहुंचे जहां यह आतंकी आराम कर रहे थे। सूत्रों के मुताबिक आतंकवादियों ने हथियार और गोला बारूद वहां पर रखा हुआ था। इसके अलावा वे अपने पास में ही हथियार भी रखकर सोए हुए थे। वही सुरक्षा बलों को देखकर आतंकी हक्का बक्का रह गया और उन्होंने फायरिंग करना शुरू कर दिया। जवाब में सुरक्षा बलों ने भी अपनी जवाबी फायरिंग करना चालू कर दिया। सुरक्षा बलों से अपने आप को घिरते देख आतंकवादियों को तुरंत ही वह जगह खाली करनी पड़ी। दहशतगर्द हड़बड़ाहट में अपनी एक M4 कार्बाइन और कुछ गोला बारूद वहीं छोड़कर भाग गए। सेना के जवानों ने गोला बारूद और घटनास्थल से बरामद हथियार को रिकवर कर लिया है। हरियाणा कांग्रेस में दरार की खबरों पर पार्टी सांसद कुमारी शैलजा ने कहा है कि किसी भी बैठक में कोई टकराव नहीं हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये कहानियां कैसे सामने आ रही हैं ये मुझे नहीं पता, ये सिर्फ कहानियां हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने पहले भी कहा है कि हरियाणा कांग्रेस में सभी को कड़ी मेहनत करनी होगी, हम सब मिलकर काम करेंगे। हमारा आग्रह लक्ष्य राज्य चुनाव जीतना है। देखो जो बैठक की बातें थी वो बैठक में ही थी और ऐसी कोई बात नहीं जो मैंने देखा है। कोई किसी की मीटिंग में कहीं किसी का कोई कॉन्फ्रंटेशन नहीं हुआ है, कोई ऐसी बात कहीं नहीं हुई है। अब ये कैसे कहां से क्या स्टोरीज हैं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैम हरियाणा कांग्रेस में ऑल इज वेल। हरियाणा कांग्रेस में देखो सबको मेहनत करनी पड़ेगी, ये मैंने पहले भी कहा, मिलकर करेंगे। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि हम चाहते थे कि चुनी हुई सरकार में से कोई व्यक्ति स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कैलाश गहलोत हों, गोपाल राय हों या आतिशी हों। हमारी राय है कि हमें आज़ादी इसलिए मिली ताकि चुनी हुई सरकारें देश पर शासन करें, न कि वायसराय की तरह इस पर थोपे गए लोग। देखिए हमारी इच्छा तो ये थी कि चुनी हुई सरकार का कोई भी नुमाइंदा जो है वो इस झंडे को फहराए, उसके अंदर कैलाश जी हों, गोपाल राय हों, आतिशी हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सिर्फ ये कह रहे थे कि जो आज़ादी मिली देश को वो इसलिए मिली कि भाई अब जो काम है सरकार चलाने का वो चुने हुए लोग करें। वायसराय की तरह जो थोपे हुए और लगाए हुए लोग होते हैं उनका हक जो है सरकार चलाना नहीं है।
लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई में लगातार आंदोलन कला की बात सामने आ रही है। इसके बाद लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। हार की समीक्षा के लिए मंथन भी खूब हुआ। बवाल तब बढ़ गया जब यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने यह कह दिया कि संगठन सरकार से बड़ा है। अब इसी विवाद को लेकर एक नई खबर सामने आई है। खबर यह है कि 3 दिन पहले केशव प्रसाद मौर्य की मुलाकात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई है। सूत्रों के मुताबिक केशव प्रसाद मौर्य ने पीएम मोदी को यूपी में बीजेपी के हालात की जानकारी दी है। केशव प्रसाद मौर्य ने पीएम को लेकर लोकसभा चुनाव में हार की वजह भी बताई है। सूत्रों का दावा है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने 11 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक केशव ने पीएम को यूपी के हालातों की जानकारी दी, लोकसभा में यूपी में बीजेपी के हार के कारणों की जानकारी दी। इससे पहले यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी पीएम से मिल चुके हैं। भूपेंद्र चौधरी ने भी पीएम को यूपी की जमीनी स्थिति और हार के कारणों की जानकारी दी थी। संसद सत्र के दौरान यूपी से ताल्लुक रखने वाले बीजेपी और सहयोगी दल के कई नेताओं ने पीएम से मुलाकात की और यूपी की स्थिति के बारे में जानकारी दी। इनमें पूर्व सांसद संजीव बालियान, साध्वी निरंजन ज्योति व अपना दल की नेता, मिर्जापुर सांसद और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल शामिल हैं। एससी और एसटी के आरक्षण में क्रिमिनल रेल लागू करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सियासी हलचल थमने का नाम नहीं ले रही है। एनडीए में ही इस मुद्दे पर दो फाड़ नजर आ रही है। गठबंधन के कई दल क्रीमी लेयर बनाने के फैसले का समर्थन कर रहे हैं तो कई दल इसका विरोध कर रहे हैं। खुद बीजेपी भी क्रीमी लेयर बनाने के फैसले के खिलाफ खड़ी नजर आ रही है, लेकिन अब बीजेपी को गठबंधन के कई दलों का समर्थन नहीं मिलता दिख रहा है। अरे यार, हम तो 10 सीटें लड़ रहे हैं, दसों सीटों पर निषाद पार्टी के कार्यकर्ता एनडीए 10 पर लड़ रही है। परंपरा है कि एनडीए जो है जो सीटें जिस सहयोगी दल का होता वो लड़ता है, और ऐसा इतिहास रहा और आगे भी रहेगा। हमको लगता कहीं ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने कहीं आधिकारिक बयान दिया हो या कोई बैठक में कहा हो कि साहब इस तरीके की चर्चाएं होती हैं। बाद में जब इलेक्शन नजदीक आता है, घोषणा हो जाती है, तो कौन प्रत्याशी होगा बैठ के दोनों आदमी तय करते हैं। और जीत के लिए हमारा तो इतिहास रहा है कि 9 हारी 11 हारी हुई सीट लेकर 9 जीत कर दिए हैं। तो इस बार भी 10 सीटें हम लोगों ने उसमें 5 उनके थे, 5 हमारे दोस्त निषाद पार्टी के थे। तो हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक सीटें जीते हैं, चर्चा कर रहे हैं। पार्टी से आपका फैसला हो गया है? हाँ भाई, पार्टी तो बनी ही है, पार्टी बनी है, चुनाव लड़ रही है। मैं कह रहा हूँ अपनी अभी तो बैठक होगी, बाद में तय होगा, लेकिन कोई भी पार्टी चुनाव लड़ने के लिए बनी हुई है, चुनाव लड़ाने के लिए बनी हुई है। तो निषाद पार्टी इसीलिए हम अभी 10 पर प्रभारी नियुक्त करेंगे, 2 पर तो हमें ज्यादा प्रभारी हैं, लेकिन और पर अपने वोट बैंक को एनडीए को जीत सुनिश्चित कराने के लिए। सुभाषपा नेता ओपी राजभर ने कहा है कि तमाम आपराधिक घटनाओं में समाजवादी पार्टी के नेताओं की संलिप्तता देखने को मिल रही है। ये बेहद दुर्भाग्य की बात है। कानून अपना काम कर रहा है, अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जिससे दूसरे लोगों को भी सबक मिल सके। देखिए, घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। अब नाम आना भी एक दुर्भाग्य है कि हर घटना में समाजवादी पार्टी का बड़ा चेहरा सामने आ रहा है, और अब उसमें क्या कहा जाए। समाजवादी पार्टी जिस तरह की सत्ता में रह के हरकत की है, जिस तरह अपने लोगों का मनोबल बढ़ाया था मनमानी करने का, उसी का नतीजा है। सरकार कानून से चल रही है, कोई भी कानून के साथ खिलवाड़ करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा और उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, ताकि उसकी सजा को देख करके दूसरे लोग भी भयभीत हों, लोगों के मन में भय हों कि हम अगर ऐसी हरकत करेंगे तो हमारे साथ भी इसी तरह कानून काम करेगा। तो लोगों के मन में भय व्याप्त हो, इसके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के खिलाफ सुल्तानपुर की एमपीएमएलए कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। ये वारंट 23 साल पुराने मामले में जारी किया गया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 20 अगस्त को होगी। वारंट जारी होने के बाद अब उन्हें कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा। 23 साल पुराना मुकदमा था जिसमें लंदन मजिस्ट्रेट द्वारा उन्हें 3 माह की सजा हुई थी और 1500 का जुर्माना, उस आदेश के विरुद्ध हमने अपील फाइल किया था। तो वो 6 तारीख को सेशन कोर्ट द्वारा अपील हमारी निरस्त कर दी गई और 9 तारीख को मजिस्ट्रेट के यहाँ अपीयर होने के लिए आदेश किया गया था। 9 तारीख को संजय सिंह जी लोकसभा में
की कार्रवाई में सम्मिलित होने के लिए एक मौका प्रार्थना पत्र हमारी तरफ से दिया गया था, लेकिन पीठासीन अधिकारी महोदय के न होने के कारण उस पर पुट अप बिफोर पीओ का आदेश इंचार्ज महोदय द्वारा किया गया था। आज न्यायालय उपस्थित आई और उसने हमारे प्रार्थना पत्र को निस्तारित करते हुए सभी अभियुक्तों के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया है और 20 तारीख को न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया गया है। 15 अगस्त 1947 को मिली आज़ादी से एक दिन पहले हुए भारत के विभाजन और उस त्रासदी में मारे गए और पीड़ित लाखों लोगों की याद में भाजपा आज यानी 14 अगस्त को विभाजन विभिष्का स्मृति दिवस के रूप में मना रही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विभाजन विभिष्का स्मृति दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने संकेतों में कहा है कि पाकिस्तान का भारत में विलय हो जाएगा। मुख्यमंत्री योगी ने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के संदर्भ में बड़ा दावा करते हुए कहा है कि या तो पाकिस्तान का विलय होगा या फिर वो समाप्त हो जाएगा। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने इतिहास के इन काले अध्यायों से पर्दा उठा करके देश की जनता की आंखों को खोलने का काम किया है, देश का ध्यान आकर्षित किया है, इतिहास की इन गलतियों के परिमार्जन के लिए रास्ता बनाने का एक आह्वान हम सबका किया है और उसी आह्वान के साथ जोड़ने के लिए मैं आप सबसे भी कहने के लिए आया हूं कि जो दृश्य 1947 में हुआ था वही दृश्य तो आज बांग्लादेश के अंदर हम सबको देखने को मिल रहा है। 1.5 करोड़ हिंदू किस तरीके से बांग्लादेश के अंदर आज चिल्ला चिल्ला करके अपने आप को अपनी अस्मिता को बचाने के लिए गुहार लगा रहे हैं और दुनिया के मुंह सिले हुए कथित सेकुलरिस्ट भारत के अंदर भी इनके मुंह सिले में एक भी शब्द इनका नहीं निकल रहा है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता मनोज झा ने कहा है कि बहुत अफसोस की बात है कि हमने निर्भया हादसे के बाद भी कोई सबक नहीं सीखा है, ये एक समाज के तौर पर हम सब की नाकामी है। कोलकाता में एक डॉक्टर की रेप और हत्या की घटना यकीनन दुर्भाग्यपूर्ण है, अब इसकी जांच CBI को सौंप दी गई है। देखिए इसमें कुछ नहीं कहना, सिर्फ इतना त्वरित अनुसंधान हो, न्याय मिले, क्योंकि जो घटना हुई है ना रोंगटे खड़ी कर देती है। अब लेकिन मुझे दुख होता है कि ये देश निर्भया वाले कांड के बाद भी सीख नहीं पाया। मैं बार बार आपके माध्यम से मैंने कहा कि अगर यूपी में घटना हो तो बड़ा आसान है यूपी सरकार को ब्लेम कर देना, बंगाल में घटना हो बंगाल सरकारों की अपनी भूमिका होती है, लेकिन एक समाज के रूप में हम दरिंदगी की ओर बढ़ गए, हम बीमार हो गए। नहीं तो कहां 3 साल की बच्ची के साथ रेप, 4 साल की बच्ची के साथ रेप, 7 साल की बच्ची के साथ रेप, डॉक्टर ऑन ड्यूटी के साथ रेप, ये समाज के लिए भी बहुत गंभीर प्रश्न है। और मैं समझता हूं कोई भी सरकार हो उसके लिए ये टॉलरेट ना करने वाली चीज होनी चाहिए। ममता जी ने खुद कहा था कि CBI को सौंपेंगे, अब माननीय उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप करके ये किया। त्वरित कार्रवाई हो, त्वरित कार्रवाई हो, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसा है। आज लालू यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए सीधा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार बताएं कि NDA के 10 सालों में बिहार को कोरी घोषणाओं के अलावा क्या मिला है, हमने तो 22 सांसदों के दम पर 2004 से 2009 के बीच 5 सालों में ही बिहार को 1,44,000 करोड़ की सहायता राशि दिलाई, लेकिन ये तो 2014 में 31, 2019 में 39 और 2024 में 30 सांसद लेकर भी दिल्ली के सामने हाथ जोड़े गिड़गिड़ा कर झोले फैलाए हुए हैं, लेकिन तब भी इन्हें कुछ भी नहीं मिला है। इस पर अब तेजस्वी यादव का भी बयान सामने आया है। तो कई रोड जो है उन्होंने दिया था। सवाल ये उठता है कि आज के दौर में जब 2019 में आप देखेंगे जो चुनाव हुआ था उसमें NDA को लगभग जो है 39 सांसद गए थे, बिहार को जो है ठेंगा मिला, अब जो है 30 सांसद हैं, कई मंत्री हैं, अभी भी बिहार को जो है ठगा गया है। कोई कारखाना नहीं, कोई नौकरी नहीं, कोई विकास के काम नहीं, कोई विशेष पैकेज नहीं, कोई स्पेशल राज्य का दर्जा देने की बात थी वो उन लोगों ने मना कर दिया। तो इन लोगों ने केवल जो है बिहार को ठगने का काम किया है। हम लोगों ने काम किया है, काम करके दिखाया है। लालू जी रेल मंत्री थे तो 90,000 करोड़ का मुनाफा था, इस बार के बजट में रेलवे का कोई जिक्र ही नहीं होता। कितना महंगा हो गया है टिकट, हर चीज जो है
एक्सीडेंट पे एक्सीडेंट हो रहा है रेलवे का, तो आज के दौर में कहीं ना कहीं से लोग जो है याद करते हैं लालू जी के उन कामों को। तो लालू जी ने जो काम किया है उसको लेकर के उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा है इस बातों को। मुसलमानों को लेकर अमेरिका में एक और विवाद खड़ा हो गया। भारतीय मूल के डेवलपर फराज यूसुफ अमेरिका के मिनेसोटा में मुसलमानों के लिए हाउसिंग सोसाइटी बनाना चाहते हैं, जिसे लेकर विवाद खड़ा हो गया। डेवलपर फराज चाहते हैं कि मुसलमानों के लिए मिनेसोटा में 434 घरों की एक सोसाइटी बनाई जाए, जिसमें पार्क, प्लेग्राउंड, दुकानें और मस्जिद शामिल हों। ये सोसाइटी मुख्य तौर पर मुसलमानों के लिए ही है और इसे ही लेकर शहर दो हिस्सों में बट गया है। अमेरिका के इस शहर के एक बड़ा तबका यह भी कह रहा है कि इस समिति के बनने से अलगाव को बढ़ावा मिलेगा, तो वही दूसरे धड़े का कहना है कि इस तरह का विरोध किसी भी आज़ादी में सीधा इंटरफेयर है। मुसलमानों के लिए यह आवास योजना हेराल्ड रॉबिन्स के सोड फार्म में प्रस्तावित है। इस आवास परियोजना के समर्थकों और विरोधियों को दोनों से बात की। इस परियोजना का समर्थन कर रहे डीड डोविल्स का कहना है कि क्या अब लोग रहने की आज़ादी को भी खो रहे हैं, तो वही इस परियोजना का विरोध कर रहे ल्यूक वाल्टर ने इसे पसंद और डिजाइन के आधार पर अलगाव बता दिया। डेवलपर यूसुफ की इस आवासीय परियोजना का नाम मदीना लेक्स है। उन्होंने यह भी कहा कि यूसुफ द्वारा बनाए जा रहे यह प्रोजेक्ट कानून का पूरी तरह से पालन करके बनाया जा रहा है। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है, मुझे दें इजाज़त। बाकी खबरों के लिए अपने रहें सियासत टीवी के साथ। Thank you.